सो हे गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ मतलब अमेजिंग फोर को एडिटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। तो आपको करना कुछ ज़्यादा नहीं होगी, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आप लोग समझ पाओगे। और मतलब आप लोग को मैं स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को ऐसा फोटो एडिट कैसे करना है, ये आप लोग मेरी वीडियो से सीख सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखना तभी समझ पाओगे। तो इस फोटो को आपको एडिटिंग करने के लिए अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाना होगा। यदि आपके पास पिक्सआर्ट एप्लीकेशन नहीं है तो आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एक लिंक, उस पर जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मतलब आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए, फोटो एडिटिंग देखने के लिए आपको मतलब यदि वीडियो देखना चाहते हो तो कर लेना यार चैनल को सब्सक्राइब, तभी आप लोग को कुछ अमेजिंग एडिटिंग सीखने को मिलेगी। तो चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में, लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो कर लेना एक लाइक। तो चलते हैं अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। गाइस, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रही है, इस बैकग्राउंड को आप लोग मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर एक मॉडल का फोटो को लगाना होगा, तभी आप लोग का फोटो मतलब अच्छा लगेगा। तो मैं यहां से एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूं। इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे उसके बाद यहां पे एक ऐड फोटो आएगा। इस ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक मॉडल का फ़ोटो को ऐड कर लेना होगा। तो मैं यहां से एक फ़ोटो को यहां से ऐड कर लूँगा, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कैसे बनाना है। तो यहाँ मैंने इस फ़ोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो आपको इसको अच्छे से मतलब एडजस्ट कर लेनी होगी। जब आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लोगे उसके बाद आपको यहाँ से कर लेनी होगी डन। ओके, जब आप लोग इसे डन कर लोगे उसके बाद आपको मतलब एक मैं PNG दूंगा, वो PNG आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना यार। ओके, तो आपको नीचे फिर स्क्रॉल करना होगा और यहाँ से ऐड फोटो में जाने के बाद आपको उस PNG का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं उस PNG का दिखा देता हूँ कैसा है कुछ लुक, तो आप लोग देख सकते हो तो कुछ आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ ढूंढ लेता हूँ, उसके बाद मुझे तो यहाँ मिल गया। अब यहाँ से कर लूँगा ऐड और ऐड करके देखो कुछ इस टाइप का है PNG। तो लेकिन यहाँ नीचे में जो फायर वाला है इसे कट कर लेना होगा। ओके सॉरी, यहाँ से आपको क्रॉप कर लेनी होगी। ओके देखो, आप जैसे मैं यहाँ से क्रॉप किया हूँ आपको भी कुछ इसी तरह से क्रॉप करके यहाँ से अप्लाई कर देनी है। उसके बाद ये जो रोटेट वाला होता है इधर, इसको पकड़ के मतलब प्रेस करके कुछ इस साइड कर लोगे। और ये जो है ये साइज जो बड़ा घट बड़ा और छोटा करने के लिए इसे आप लोग पकड़ के मतलब प्रेस करके मतलब नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दोगे, उसके बाद कुछ इस टाइप से हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे यहाँ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ ब्लेंड मोड रहेगा, इस ब्लेंड मोड में जाओगे और इसे कर दोगे स्क्रीन। ओके, आप लोग जब इसे स्क्रीन कर दोगे उसके बाद मतलब फेस पे जो आएगा उसे आप लोग यहां से इरेज कर दोगे, यहाँ इरेज वाले में जाओगे और यहां से कर दोगे रिमूव। ओके, जब आप लोग इसे मतलब अपने फेस पे से मतलब कर लोगे इरेज, उसके बाद यहां से अप्लाई कर दोगे तो फोटो देखो क्या कूल अभी से ही लग रहा है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से कर लेना होगा डन। ओके, जब आप लोग इसे कर लोगे डन, उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर पे आना होगा, ऊपर स्क्रॉल करोगे और यहाँ टूल में जाओगे। ओके, और यहाँ से ये जो एडजस्ट वाला है इस एडजस्ट वाले में चले आओगे। ओके, जो एडजस्ट वाले में चले आओगे तो इसके जो है मतलब करना का ये क्लियरिटी में जाना होगा और इसका क्लियरिटी को बढ़ा लेनी होगी। फोटो को कुछ मतलब क्वालिटी ही कूल कर देता है ये। जो आप लोग ऐसे बढ़ा लोगे उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ से फिर आप लोग डन कर लोगे। उसके बाद अभी इस फोटो को आप लोग करोगे सेव। सेव कैसे करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग नीचे स्क्रॉल करोगे, आप लोग यहाँ से मत करना, मतलब यहाँ पे आप लोग कर ले तो ये जो है ये एरो वाला इस पे जाके आप लोग कर ले तो, बट यहाँ से नहीं करनी है। नीचे स्क्रॉल करके यहाँ से आप लोग को जो ये ड्रॉ टूल मिलेगा, इस ड्रॉ टूल में आ जाओगे। जब आप लोग इस ड्रॉ टूल में आ जाओगे उसके बाद यहाँ से जो 3 डॉट है इस 3 डॉट पे टैप करके यहाँ से सेव इमेज कर लेनी है। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो करना वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सको यार कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।